Welcome to Hacks and Crimes. की बास्केट हाँ ये निकाह के ऊपर जो बढ़ते हैं yep. खुद ही बना लो या आप खुद ही बना लो कोई जरूरत नहीं मेहनत करें खानदान में इतने कजन वजन आते हैं ना रात को ढोलकी ढोलकी के ऊपर नाचने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अब तो टॉफी का साइज भी इतना छोटा हो गया कि हम क्या ही डालेंगे उसके अंदर ना छुआरा डाल दें और क्या नर छुआरा डाल दें इतना बड़ा है आज भी वो डालें पूरा डब्बा भर जाएगा मेरा डब्बा नहीं भरेगा तब भी बट हमें कैंडीज चाहिए होती हैं और वो सुपारी भी चाहिए होती है यार एक तो ईरानी कैंडी आई है रंग बिरंगी इतनी सी होती है हाँ। इतनी साइज की लिटरली और बस वो इतने साइज की है बस तो उसका टेस्ट कैसा है टेस्ट तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है अच्छा टेस्ट है लेकिन वो उस तरह की ट्रांसपेरेंट होती है फॉक्स नहीं आती थी एक जमाने में शायद अभी आती हो फॉक्स जैसी होती है कलरफुल और उसका भी साइज छोटा हो गया बाय द वे उसका भी साइज छोटा हो गया ये देख ले भाई साहब साइज छोटे होते जा रहे हैं पता नहीं क्यों भाई हम मैं इसका हैक बताती हूं हैक इसका ये है कि हम ना वजन थोड़ा कम ही रखे तो इसलिए पोर्शन छोटा कर दिया है ओके मैं यही परेशान मैंने कहा सर्दियां आई हैं ये क्या हो गया चले गुड हो गया है अगला हैक देखते हैं क्राफ्ट है क्राफ्ट है हैक है हैक कर लो भाई आ जाओ लड़कों का क्या है पिंक है हम कहते हैं स्पेसिफिक पिंक है तो कहते हैं पिंक पिंक है अब देखिए रेड है तो कह रहे हॉट रेड है हॉट मैंने उसको कहा था जिसका पाऊंग उसमें बेटा अपना आज फोन दे दो आज अरे मतलब लिटरली एक मतलब हर देखो बेगम को मुझे लगा यार मतलब बेगम ही है मुझे लगा था अरे वो सही कह रहा है क्या पता कोई लड़का पहन के घूम रहा है क्योंकि आपकी तो नजर ऐसी चीजों पे जाती है भाई मैं क्या कर सकता हूँ खूबसूरत लाल रंग की सैंडल थी उसको गंदा किया ना आपने भी दिल से कहा ना कि हाँ गंदी कर दी ऐसे नहीं करता बट ये जो हॉट हम खवातीन कहें कि ये जो है ये शॉकिंग पिंक है तो नहीं पिंक पिंक होता है लेकिन आप देखें रेड को कैसे हॉट रेड अरे वैलेंटाइन का मंथ चल रहा है यार फरवरी का महीना है हर रेड हॉट आई डोंट केयर बिकॉज़ आई डू नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन तो नहीं करो हमारी तो एनिवर्सरी हमें तो करनी है शादी उसी दिन की है करो आप हमारी शादी के अंदर आपको पता है कितनी शटिंग हुई है हमारी नहीं औरों की वैलेंटाइन मना रहे थे वो बड़ी चली दुआएं देखे गए लोग लिफाफे से अंदाजा हो जाता है लिफाफे भी होते ना तो वो खुश है आपको कितने लिफाफे फाड़ फाड़ के और पैसे डाले उन्होंने बोला अरे दादा हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ता आज बड़ा खर्चा हो जाता है ये लो और ले लो आपको कितनी सलामी मिली हमारी शादी में तकरीबन कुछ थे 10 लोग लेकिन हाँ ना कोविड में की थी शादी हमने तो कोविड के अंदर भी 20-25 तो हो सकते नहीं ये तो फायदा अलाउ नहीं था ना हमारे कंपाउंड में अलाउ नहीं था इतने ज्यादा लोग तो उसमें भी वहाँ कोई 1.5-3 तक तो हो गए थे मतलब ये थे 10 उन्हें बुलाओ जो कि है जो कि पक्के इन्वेस्टर 10 भी वो चुन के बुलाए लिटरली वही बड़े मामू की फैमिली से 2 लोगों को बुलाओ वही बड़े मामू के इन्वेस्टर्स थे है ना वही पक्के इन्वेस्टर्स क्या बात है भाई और जो नहीं आ पाए उन्होंने इस गम में दे दिया कि यार दे दो नहीं आ पाए हाँ चलो बेटा कोविड है कोई बात नहीं रख लो ये अच्छा था भाई ये अच्छा था तो थैंक्स यार तो पूरा मतलब टूर हो गया होगा मजे से आपको अंदाजा नहीं उस टाइम हमारा टूर कितने सस्ते में हुआ है कोविड में टूर कैसे हो सकता मालदीव्स गए थे हम अच्छा फ्लाइट चलाओ थी
हाँ तो फिर तो बहुत ही सस्ता होगा क्योंकि उस वक्त टूरिज्म के प्राइस इतने गिर गए थे। एग्जैक्टली होटल फ्री में ले लो, होटल्स वन नाइट फ्री। नहीं आपको पता है टोटल ट्रिप कोई 7 दिन का विद शॉपिंग विद टिकट्स विद स्टे अच्छी जगह स्टे 4 लाख। नहीं भाई हाँ हाँ वेरी गुड। ये कोविड के बाद इतना सस्ता कभी ट्रैवल नहीं किया हमने, कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं किया हमने ट्रैवल इतना, क्योंकि उसके बाद एयरलाइंस को आइडिया आया कि देखो यार ये लोग तो 3 साल से घर में बंद है, इन्हें कहीं ना कहीं तो जाना है, तो हम क्यों टिकट कम करें, हम महंगा करते हैं, उन्होंने टिकट बढ़ा दी। ये हुआ, खैर चले। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।